गीता में है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अवधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब संसार में धर्म ग्लानि होती है, धर्म की विकृति हो जाती, धर्म अधर्म में कन्वर्ट हो जाता। सब लोग कहते हैं मैं धार्मिक, लेकिन सही अर्थों में धार्मिक कोई नहीं, कोई विरला धार्मिक, क्योंकि असली धर्म तो शांति, असली धर्म तो प्रेम, उसमें कोई टिकता नहीं। अभी आप अपने धर्मों की बात करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, एक मिनट में धर्म के नाम पर झगड़े हो जाते। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कहते तो हैं सब, लेकिन झगड़ने में कितनी जल्दी करते हैं। क्या ये धर्म है? क्या धर्म लड़ना सिखाता है? क्या धर्म हिंसा सिखाता है? हर कोई कहता है आई एम राइट, लेकिन धर्म के जो बेसिक ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, हमारे कर्तव्य कर्म करने जैसे जो कर्म, जो सत्य है वही धर्म है, जो प्रेम है वही धर्म है। जहाँ सत्यता नहीं, प्रेम नहीं, दकियानूसीपना है, जहाँ हम नैरो माइंडेड हैं, दीवारों में जकड़े हुए, तो वहाँ पे धर्म नहीं। भगवान आकर, शिव बाबा आकर वो सारी दीवारें तोड़ता है, हमें सच्चा धर्म बताता है कि बच्चे देह के धर्म से उठो। हे अर्जुन, सर्वधर्मान प्रतिज्ञामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। जितने भी धर्म, देह के धर्म भी है उनसे भी ऊपर, प्रकृति के धर्म है उनसे भी ऊपर उठ। जो तेरा स्वधर्म है उसमें तू लौटा। तेरा स्वधर्म क्या है? शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, प्रकाश, रोशनी करना हर जगह, अंधकार को भगाना, प्रकाश को स्थापित करना, ये हमारा धर्म है। अधर्म को समाप्त करके सत धर्म में स्थापन होना, सत्यता ही धर्म। लेकिन उस ट्रुथ को जानेंगे कैसे? उस ट्रुथ को कुछ वैज्ञानिक सत्य, उनको हम प्रकृति के खोज के द्वारा जानते हैं, कई हाइपोथेसिस बनाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, कभी वो ठीक होता है, कभी गलत होता है, फिर भी हम थ्योरीज बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। सत्यता का बोध कई बार फिर भी नहीं होता, क्योंकि सत्य को जानना, समग्र सत्य को, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रुथ को जानना आसान नहीं। इसलिए परमात्मा गीता में भी कहते हैं मुझे मेरे द्वारा ही जाना जा सकता है। रामायण में सोई जाने जिस देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई। सोई जाने वही जान सकता है जिसे वो जनाता है। तो इस वक्त परमात्मा खुद को जना रहा है, हमें बता रहा है हु एम आई, हु इज गॉड, परमात्मा क्या है, उसके महावाक्य क्या है।